देखो, जब आप किसी कोर्स के लिए पैसे पे करते हैं, देते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसमें कई बातें आदमी सोचता है कि मैं एक ऐसा कोर्स करूं जिससे कि हमें एक अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी चीज मिले। तो यदि आप एक बेहतर तरीके का स्टडी चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो आपको SST इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर होगा, काफी फायदेमंद होगा। आप एयर कंडीशन का काम सीखना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं वह आप SST इंस्टीट्यूट से आप करें। आपको इसके कई बेनिफिट्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ टाइम की मेंबरशिप आपको मिलती है। भाई देखो, एयर कंडीशन का कोर्स तो आप करना चाहते हैं क्योंकि आपने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया, आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया और अब तक आप मेरे वीडियो पे हैं, तो ये साबित करता है कि आपको एयर कंडीशन कोर्स में, HVAC में, RAC में इंटरेस्ट है और वास्तव में आप गल्फ के देशों में जाना चाहते हैं। तो अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? एक ऐसी शुरुआत जो आपको वीजा भी दिलवाएगी, एक ऐसी शुरुआत जो आपको वर्क परमिट भी दिलवाएगी, एक ऐसी शुरुआत जो आपको अच्छी सैलरी भी दिलाएगी, जिसका नाम है SST इंस्टीट्यूट। यदि आप यहाँ से कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको तमाम तरह के फायदे मिलने वाले हैं। सर, आपने मुझसे पूछा था कि हमें एयर कंडीशन का कोर्स करना है, हम कहाँ से करें? तो जहां तक मैं देख रहा हूँ, सर 1997 से SST इंस्टीट्यूट इस टेक्निकल फील्ड में वर्क कर रहा है। आज यहाँ से पास आउट हुए हजारों की संख्या में स्टूडेंट देश विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं। तो यदि आप भी एक अच्छी सैलरी चाहते हैं, आप और घूमने के भी शौकीन हैं, अपनी लाइफ को नई दिशा देना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो एयर कंडीशन का कोर्स आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। सबसे अधिक पैसे की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज में अगर हम बात करें तो आप पढ़ाई करने के बाद आप एक अपना एम्बिशन बनाएं और आप कुवैत के लिए प्रयास करें। कुवैत में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी, एक अच्छा माहौल भी मिलेगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी मिलेगी और फिर आपका मन वहां पर लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उनको जब आप मुझ तक भेजते हैं, मुझे मेल करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊं। तो AC का काम, एयर कंडीशन का काम, इलेक्ट्रिकल का काम, जो भी आप जिसको करना चाहते हैं, यह गल्फ के सफर को तो आसान बना देगा। और अगर मैं यूं कहूं कि गल्फ का सफर ही नहीं, पूरी दुनिया का सफर आसान कर देगा, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हर आदमी पैसा खर्च करना कर रहा है, हर आदमी, हर कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट आपने कोर्स के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वह तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिसके लिए उन्होंने सोचा है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तब भी SST इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का शॉप खोलना चाहते हैं, खुद का कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी SST इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। तो हर तरीके से, हर नजरिए से देखा जाए तो SST इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। एयर कंडीशन के कोर्स के लिए, HVAC के कोर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के कोर्स के लिए या हेल्थ सेफ्टी कोर्स के लिए, फायर सेफ्टी कोर्स के लिए, जितने भी कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज, वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। SST इंस्टीट्यूट की एक खासियत रही है शुरू से कि ये कभी भी किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करता या बार बार हम उन्हें कॉल करके ये नहीं कहते कि सर मेरे यहाँ आइए, ये ऑफर आ चुका है और पढ़ाई करिए। क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी पूरी दुनिया से, हर स्टेट से बच्चे अवेलेबल हैं और वह स्टडी आप क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं। एक बात आपको भली भांति समझ लेना चाहिए कि आपको पढ़ाई सबसे पहले चाहिए या फिर ये शॉर्टकट के तरीके चाहिए। अब शॉर्टकट के तरीके क्या होते हैं? हम आपको जॉब की गारंटी देते हैं। शॉर्टकट के तरीके क्या है? आप मुझे कुछ पैसे प्रोवाइड करिए, कुछ पैसे की व्यवस्था करिए, मैं आपको वीजा दिलवा दूंगा, मैं आपको वर्क परमिट दिलवा दूंगा। और वह व्यक्ति कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आपका एजुकेशन क्या है, आपने कितनी ट्रेनिंग लिया है। वह व्यक्ति ये भी सजेस्ट कर देता, अरे भाई अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, हम आपका सर्टिफिकेट भी बनवा देंगे, 500 से 1000 रुपए का खर्च होगा और कहीं से भी हम सर्टिफिकेट आपका छपवा कर दे देंगे। और लोग करते भी हैं। आप खुद डिसाइड करिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है बरसों से
मोटरसाइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, बरसों से चला रहा है, काफी एक्सपीरियंस हर शहर सर गया हुआ, और एक व्यक्ति सिर्फ 10 दिन से मोटरसाइकिल चला रहा है, आप किसकी मोटरसाइकिल पर सवारी करना पसंद करेंगे, किसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के शहर जाना चाहेंगे? तो बेशक आपका जवाब हुआ जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास जानकारी है, हम उसी के साथ बैठ कर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो नया नया शुरू किया अगर उसके साथ हम गए तो सफर मेरा पूरा तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि आप कभी भी अपने लाइफ से समझौता मत कीजिए, कभी भी आपको छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना चाहिए, आपको शॉर्टकट के तरीके में नहीं फंसना चाहिए, आपको सीखने पर जोर देना चाहिए और बेहतर तरीके से उसको कंप्लीट